जीवन वेद इंट्रोडक्शन। नैतिकता साधना की आधार भूमि है, पर ये याद रखना चाहिए कि नैतिकता साधना का चरम लक्ष्य नहीं है और नीतिवादी दैट इज मॉरलिस्ट होना दूसरों के लिए भले ही चरम आदर्श हो, पर एक साधक के लिए जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। साधना के प्रारंभ में ही मानसिक सामंजस्य की आवश्यकता होती है। इसी मानसिक सामंजस्य का नाम नैतिकता या मोरालिटी है। बहुत बार लोग कहते हैं, मैं धर्म कर्म कुछ नहीं समझता, सत्य पथ पर रहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही यथेष्ट है और इससे अधिक कुछ करने की या सीखने की आवश्यकता नहीं। नैतिकता सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताने का प्रयत्न है। इसे स्थिर शक्ति कहने की अपेक्षा गतिशील शक्ति कहना कहीं अधिक ठीक होगा, क्योंकि इससे प्रतिक्षण अपने अंदर के विरोधी भावों के विरुद्ध लड़कर बाहरी साम्य ठीक रखना पड़ता है। ये अंदर और बाहर की साम्यावस्था नहीं है। बाहर के प्रलोभन में पड़कर यदि भीतरी असाम्य खूब बढ़ जाए और इस कारण मानसिक विकृति उग्र भाव से दिख पड़े, तो लड़ने की भीतरी शक्ति भी हार सकती है और फलस्वरूप बाहरी साम्य या दिखावटी नैतिकता किसी भी क्षण टूट सकती है। इसलिए नीतिवाद कोई लक्ष्य तो नहीं ही है, कोई स्थिर शक्ति भी नहीं है। नीतिवादी की नीति तो किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। जो नीतिवादी 2 रुपए घूस का लोभ रोक सकता है, वो 2 लाख रुपए का भी लोभ रोक सकेगा, ये बात दृढ़ता पूर्वक नहीं कही जा सकती। इतना होने पर भी मनुष्य के जीवन में एकदम मूल्यहीन नहीं है। नीतिवाद एक अच्छे नागरिक का लक्ष्य है और साधना मार्ग की तो यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। नैतिक आदर्श ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य को साधना मार्ग में चलने की सामर्थ्य भी मिले तथा प्रेरणा भी। यूं तो नीतिवाद में देश काल एवं पात्र संबंध से विभिन्नता संभव भी हो सकती है, क्योंकि नीतिवाद देश काल पात्र के सामंजस्य रखने के प्रयत्न पर निर्भर करता है। किंतु नीतिवाद का चरम लक्ष्य है ब्रह्म संप्रांति, और इसलिए उसमें आपेक्षिकता का दोष तो किसी भी तरह संभव नहीं है। चोरी न करना ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। चोरी करने की प्रवृत्ति का नष्ट होना बड़ी बात है। झूठ बोलना चरम लक्ष्य नहीं, चोरी मन से मिथ्यावाद दूर हो जाए यही बड़ी बात है। साधक की यात्रा का मार्ग नीतिवाद के उस प्रारंभिक रूप से शुरू होता है जहाँ झूठ नहीं बोलना, चोरी न करना आदि उसका आधार होता है। परंतु इस नीतिवाद का अंतिम लक्ष्य रहता है वो ब्रह्म स्थिति, जहाँ चोरी की इच्छा नहीं रह जाती, मिथ्यावाद भी दूर हो जाता है। आनंद मार्ग की साधना में इसे ब्राह्मी आदर्श को सामने रखकर पहले नीति शिक्षा दी जाती है, क्योंकि नीति शिक्षा के बिना साधना असंभव है। नीति के बिना साधना मनुष्य को बार बार भोग की ओर ठेल देना चाहेगी और किसी भी क्षण उसके बड़े कष्ट से पाई हुई मानसिक शक्ति छोटी तुच्छ भोग सिद्धि के लिए ध्वंसात्मक कार्य में लिप्त हो सकती है। योग भ्रष्ट या तंत्र भ्रष्ट अनेक व्यक्ति इसी प्रकार का कलंकित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बलपूर्वक अपनी प्रवृत्तियों का दमन कर वे जो कुछ साधारण संपद प्राप्त करते हैं, वह भी भोग की एक चपेट में एक क्षण की भूल में ही खो बैठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साधना आरंभ करने के ठीक पहले से ही सत नीति अपनानी होगी। जो नीति नहीं अपनाता वो साधना मार्ग में आकर अपना तथा देश का अहित न करे। आचार्य ने ऐसी घटना अवश्य देखी होगी कि स्वार्थ में अंधे लोग इस नीति को मानने के डर से आनंद मार्ग से ही डरते हैं। अपनी क्षुद्र स्वार्थ सिद्धि में असुविधा होगी,
ये सोचकर मार्ग के प्रचार से शंडित होते हैं और अपनी असाधुता तथा दुर्बलता को छिपाने की कोशिश में मार्ग की निंदा करते हैं। किंतु ये जान रखो कि जिसमें नीति ज्ञान नहीं है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। वो कितनी भी कोशिश क्यों न करे पर बड़ी बड़ी बातों की आड़ में अपने मन की मलिनता को अधिक दिन ढककर नहीं रख सकता। यम साधना। नीतिवाद की पहली शिक्षा है यम साधना। इस साधना के एक एक अंग के संबंध में आज कुछ कहूंगा। यम के 5 अंग है अहिंसा सत्यास्तेयम् ब्रह्मचर्यो अपरिग्रह यमः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 अंग विभिन्न पद्धतियों से साधक को संयम की शिक्षा देते हैं। संयम शब्द का अर्थ है नियंत्रित व्यवहार। ये बात अच्छी तरह से याद रखो कि संयम का अर्थ किसी की हत्या करना अथवा किसी को नष्ट करना नहीं है। अहिंसा। मनोवाक कायैः सर्वभूतानाम् अपीडनम् अहिंसा। मन वाक्य और शरीर के द्वारा किसी को पीड़ा कष्ट न पहुंचाने को ही अहिंसा कहते हैं। इस अहिंसा शब्द का अर्थ लेकर बहुत लोग बहुत तरह की भूले कर बैठते हैं। कोई कोई पंडित तो अहिंसा शब्द की इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कि जिसका ठीक ठीक व्यवहार करने से घर द्वार में रहने की बात दूर रही, वन जंगल या पर्वत की गुफाओं में भी रहना असंभव हो जाएगा। इस अहिंसा शब्द का इस तरह का अर्थ मानने से किसी की हत्या करने की बात तो दूर, शत्रु के ऊपर भी आघात नहीं किया जा सकता। हल चलाने से पृथ्वी के नीचे कितने कीड़ों की कितने प्राणियों की मृत्यु होने की संभावना रहती है, अतः वह भी नहीं चल सकता। ऐसे पंडित कहते हैं कि जो द्विज धार्मिक जीवन बिताना चाहते हैं वे प्राणी हत्या से बचने के लिए स्वयं हल न चलाकर शूद्रों से हल चलवा कर खेती करें। मनुष्य को भोजन मिले या न मिले चींटियों के बिलों में चीनी डालना चाहिए अथवा मनुष्य जाति के जन्मजात शत्रु खटमलों को बचाने के लिए दरिद्र को अपने स्वस्थ जीवन का खून पिलाना चाहिए। किंतु ये अहिंसा की व्याख्या नहीं अपव्याख्या है। ये वास्तविक धर्म के विरुद्ध है, जीवन धर्म के विरुद्ध है। तुम्हारे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में असंख्य जीवाणु आते जाते हैं, वे भी तो सभी जीवित प्राणी हैं। तब तो उनको बचाने के लिए तुम्हें श्वास प्रश्वास क्रिया भी बंद कर देनी होगी। रोगी शरीर को अनेक प्रकार के विषकारक कृमि अणु जीव समूह के मुक्त करने के लिए औषधि सेवन भी बंद कर देना होगा। अहिंसा का इस प्रकार का अर्थ यदि लिया जाए तो भला ऐसे अर्थ बताने वाले ठहरेंगे कहाँ? उनको तो विशुद्ध जल भी पीना छोड़ देना होगा, क्योंकि जल को साफ करने के क्रम में कितने ही प्रकार के दूषित जीवाणुओं की मृत्यु हो जाती है और वे बिना साफ किया पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि पेट में जाने के बाद जल में छिपे हुए जीवाणु संभव है मर जाएं। भारतवर्ष में वैदिक युग के बाद बहुत दिनों तक इस प्रकार की अहिंसा का प्रचार था, जिसके कारण साधारण लोगों का जीना कठिन हो गया था। अहिंसा प्रधान धर्म को साधारण जनता भय की दृष्टि से देखने लगी थी और अंत में धर्म पथ को छोड़कर नास्तिक मत स्वीकार करने को बाध्य हो गई थी। नीति ज्ञान से रहित अपने स्वार्थ को सब कुछ समझने वाले नास्तिक समाज तथा दुनिया के लिए बोझ हो गए थे और जो इस तथा कथित अहिंसा धर्म को बलपूर्वक पकड़ कर रखने वाले थे वे वास्तविकता से विमुख और स्वभाव से क्लीव समझे जाते थे। पुराने इतिहास के इस तथ्य को आज के युग में नए रूप से विचार कर देखने की आवश्यकता है। इसके बाद एक और युग आया था जिसमें साधारण जनता में अहिंसा की एक और नई तरह की व्याख्या का प्रचार हुआ। इस व्याख्या के अनुसार जीव को किसी प्रकार का कष्ट देना तो हिंसा था, पर खाने के लिए पशुओं की हत्या करना हिंसा में नहीं गिना जाता था।
इस विचार में बहुत बड़ी त्रुटि है। कष्ट देने मात्र को ही यदि हिंसा कहें, तो खाने के लिए भी पशुओं की हत्या हिंसा कही जाएगी, क्योंकि इसके लिए भी पशु हंसते हुए बलि काट में अपना सर नहीं देते। आजकल हिंसा की और नई व्याख्या सुनी जाती है, जो प्रायः दूसरी व्याख्या में मिलती जुलती है। परंतु दूसरी व्याख्या में जो सरलता और निष्ठा मालूम होती है, इसमें वो भी नहीं है। इसमें भी अहिंसा का अर्थ नॉन वायलेंस अर्थात शक्ति का प्रयोग न करना माना गया है। संभवतः इस प्रकार की व्याख्या में ही अहिंसा शब्द का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। संसार के छोटे बड़े सब कामों में जीव को प्रतिकूल भाव के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करके आगे बढ़ना होता है। शक्ति के इस प्रयोग के माध्यम से ही जीवन का प्रकाश प्रकट होता है। यदि ये शक्ति सम प्रयोग न हो तो जीवन जड़ता के अंधकार में खो जाएगा। परंतु कोई बुद्धिमान मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी गति धर्म के विरुद्ध है। इसके फल स्वरूप नॉन वायलेंस अर्थ वाले तथा कथित अहिंसा के मतवाद को किसी दूसरे गुण उद्देश्य में प्रयोग करने के लिए ऐसे अहिंसावादियों को कदम कदम पर ढोंग करना पड़ता है, कपट आचरण का आश्रय लेना पड़ता है। किसी देश के लोग यदि दूसरे देश को बलपूर्वक जीत ले, इस अवस्था में हारे देश के लोग शक्ति का प्रयोग करके अपनी स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। शक्ति का प्रयोग स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी, और इसके फल स्वरूप आक्रमणकारी का शरीर और मन दोनों आहत हो सकते हैं। इसमें आघात तो होगा ही, और जब आघात होगा ही तब उसे किसी तरह भी नॉन वायलेंस नहीं कह सकते हैं। हाथ से न मारकर लड्डू से मारना क्या वायलेंस नहीं है? देश विदेश या जाति विशेष के विरुद्ध बायकॉट आंदोलन क्या वायलेंस नहीं है? इसी से कहते हैं, नॉन वायलेंस और अहिंसा को एक समझने से उस अहिंसा नीति का समर्थन करने के लिए बार बार ढोंग करना पड़ता है। देश के शासन के लिए पुलिस या सेना की आवश्यकता पड़ने पर भी बल का प्रयोग न करें तो उनका अस्तित्व ही निरर्थक हो जाए। बंदूक की गोली में तथा कथित अहिंसा का मोहर मार देने से ही तो गोली नॉन वायलेंस नहीं हो जाती? अत्याचारी का प्रतिकार करने के लिए जितनी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता हो, उतनी शक्ति जिसकी न हो उसके लिए यही उचित है कि वो सब तरह से शक्ति संचय करने में लग जाए, और जो शक्ति पाए उसका उचित रीति से व्यवहार करे। शक्ति नहीं, शक्ति संचय करने के लिए साधना भी नहीं, पर अपनी इन सारी दुर्बलताओं को शत्रुओं के सामने स्वीकार नहीं करने के उद्देश्य से अपने को अहिंसक कहने से कोई कूटनीतिक उद्देश्य भले ही सिद्ध हो, परंतु उससे साधुता की मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती। साधना जगत में अहिंसा का अर्थ जो लिया जाता है वो तो पहले ही कह चुका हूँ। इस अर्थ के अनुसार तुम्हें सदा ही सावधानी से सोच विचार कर चलना होगा, जिससे तुम्हारे विचारों से अथवा कार्य से कोई पीड़ित ना हो, किसी पर अत्याचार ना हो। तुम्हारे जिस किसी विचार के कार्य के पीछे किसी को तकलीफ देने का भाव हो तो वो हिंसा है। जीव देह धारण करने में तो जीव हत्या होगी ही, इसमें किसी को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा हो या न हो, सांस लेने और छोड़ने में ही तो हजारों हजार जीवाणु मरते हैं। तुम्हारी स्थूल देह ही तो हजारों हजार जीव कोशों से मिलकर बनी है। तुम जानो या न जानो, शरीर के प्रत्येक काम के फल स्वरूप हर क्षण वे मरते हैं और नष्ट होते हैं। शरीर को निरोग रखने के लिए तुम जो दवाइयां खाते हो उनसे लाखों लाख रोग के कीटाणुओं को खत्म करते हो, हत्या करते हो। कीड़े मकोड़े, फसल नष्ट करने वाले पशु, खटमल, मच्छर आदि जीवों की न जाने कितने प्रकार से हत्या करते हो। ये तुम देह धारण के लिए करते हो, इसके पीछे दूसरे को कष्ट देने की इच्छा नहीं है, इसलिए ये काम भी हिंसा नहीं है।
देह की रक्षा करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। जीव देह की सृष्टि, पालन और विनाश में प्रत्येक क्षण जीव देह का संगठन और विघटन होता रहता है। तुम तो भात खाते हो, वो भात जिस धान से हुआ क्या उसमें जीव नहीं है? इसमें भी अंकुरण निकले हैं, वंश वृद्धि का सामर्थ्य तो इनमें भी है, किंतु देह की रक्षा करने के लिए तुमने उस धान की हत्या कर चावल तैयार किया। किंतु चावल बनाने के समय तुम्हारे मन में क्या किसी को पीड़ित करने का विचार था? इस तरह देखते हो कि प्राणी का भोजन प्राणी ही है। यहाँ पर हिंसा और अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि उठे तो जीव को ईंट, बालू, पत्थर खाकर रहना पड़ेगा। श्वास प्रश्वास की क्रिया छोड़ देनी होगी, अर्थात आत्महत्या करनी होगी। परंतु ये बात बिल्कुल ठीक है कि खाद्य ग्रहण करने के समय दो विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात, जहाँ तक संभव हो ऐसे ही चीजों में खाद्य चुना जाए जिसमें चैतन्य का विकास कम हो, अर्थात शाक सब्जी मिलने से पशु हत्या न की जाए। दूसरी बात, किसी भी अवस्था में खाने के लिए किसी जीव की, चाहे वो विकसित चैतन्य हो या अविकसित चैतन्य, हत्या करने से पहले विचार कर देख लेना होगा कि इसकी हत्या किए बिना भी हम स्वस्थ शरीर से जीवित रह सकते हैं या नहीं। मनुष्य का शरीर असंख्य जीव कोशों से मिलकर बना है। ये जीव कोश अपने अनुकूल जीवित सत्ता पाकर पुष्ट होते हैं और बढ़ते हैं। इसलिए तुम जैसा भोजन करोगे उसी के अनुकूल तुम्हारे जीव कोशों का स्वभाव बनता रहेगा और अंत में उन सब का मिलकर तुम्हारे मन पर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए यदि गले पचे दुर्गंध युक्त जीव युक्त वस्तु से या ताजा पशु मांस से, जिसमें हीन वृत्ति ही प्रबल रहती है, अपने शरीर के कोशों का निर्माण करोगे, तब तो तुम्हारे मन में हीन वृत्ति की प्रबलता स्वाभाविक ही है। इससे हिंसा और अहिंसा का प्रश्न न रहने पर भी बिना सोचे विचारे जो पाओ सो खाओ की नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता। जैसा मन में आए वैसा करना, ये तो कोई नीति नहीं है। नीति तो सोच विचार कर निर्धारित किया जाता है। अतः शरीर धर्म का पालन करने के लिए भोजन के संबंध में तुम्हें एक नीति निर्धारित कर चलना ही होगा, नहीं तो ये काम अपरिग्रह की नीति के विरुद्ध होगा। अपरिग्रह क्या है ये बाद में समझाया जाएगा। हिंसा और शक्ति का प्रयोग दोनों एक चीज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं शक्ति के प्रयोग का फल हिंसा पूर्ण हो उठता है, यद्यपि वहाँ पीड़ा पहुँचाने का विचार मन में नहीं रहता। परिस्थिति के दबाव में पड़कर जिन लोगों के विरुद्ध इस प्रकार का बल, जिसका परिणाम हिंसा पूर्ण होता है, प्रयोग किया जाता है, उन्हें संस्कृत में आतताई कहा जाता है। क्षेत्रधारा पहारिश्च शस्त्रधारी धनापहा अग्नि दगदश्चैव षडेते याततायिनः। अर्थात जो बलपूर्वक तुम्हारी जमीन जायदाद पर अधिकार करना चाहता हो, जो तुम्हारी पत्नी का अपहरण करना चाहता हो, जो शस्त्र लेकर तुम्हारी हत्या करने आया हो, जो तुम्हारा धन लूटना चाहता हो, जो तुम्हारे घर में आग लगाता हो, या जो तुम्हें विष देकर मार डालना चाहता हो, उसे आतताई कहा जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र की तरफ से किसी दूसरे राष्ट्र का पूरा या उसका कोई हिस्सा दखल करना चाहे, तो उस आक्रमण करने वाली शक्ति का शस्त्र के साथ सामना करना अहिंसा नीति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ऐसी अवस्था में अहिंसा नीति की गलत व्याख्या करने से, अर्थात हिंसा और शक्ति के प्रयोग को एक समान लेने से, जनसाधारण को दीर्घकाल तक धन हानि, मनस्ताप और अन्यान्य बहुत तरह के दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। अनेक अवसरों पर बहुत लोग किसी कुसंस्कारी मनुष्य को युक्ति से न समझाकर ऐसी बात करते हैं जिससे उनके मन पर चोट पहुंचती है। इतिहास के पृष्ठ उलट कर देखो,
बार बार मूर्ति पूजा के विरोधियों ने उन सुंदर सुंदर मंदिरों को तोड़कर नष्ट किया है जो शिल्प कला के अपूर्व उदाहरण थे। मनुष्य के मन की सौंदर्य कल्पना शिल्प कला की पराकाष्ठा जिन सुंदर मूर्तियों में प्रकट हुई उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ऐसे काम अत्यंत हिंसा मूलक हैं, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजकों के मन में बहुत बड़ी चोट लगती है और इसके फल स्वरूप वे मूर्ति पूजा को मन ही मन व्यर्थ समझते हुए भी जिद के कारण मूर्ति को जकड़ रखना चाहते हैं और फलतः केवल उनको ही आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं होती बल्कि समूचे मानव समाज की अग्रगति में बाधा पड़ती है। याद रखो, यदि किसी देश में 100% मनुष्य निराकारवादी हो अर्थात मूर्ति पूजक एक भी न रहे तो वैसी अवस्था में भी ब्रह्मचर्य साधक उस मूर्ति को वस्तु के उचित व्यवहार के लिए यत्नपूर्वक अजायब घर दैट इज म्यूजियम में सुरक्षित रखेंगे, किसी भी प्रकार उसे नष्ट नहीं करेंगे। कला को नष्ट करने से मनुष्य के मन में जो सूक्ष्म रस बोध है वो भी तो नष्ट हो जाता है और ये किसी भी तरह उचित नहीं है। शिखा अथवा जनेऊ के लिए जिनके मन में मोह है उनका मन जड़ वस्तु में लगा रहने के कारण उसका साधना की अग्रगति में अवश्य बाधा होगी। यदि कोई जबरदस्ती उनकी शाखा या जनेऊ हटा देना चाहे उससे क्या कोई खास लाभ होगा? नहीं, उससे तो उसका मन शिखा और उपवीत की चिंता में इतना फंसा रहेगा कि वो ठीक तरह से ब्रह्म साधना के लिए भी समय नहीं पा सकेगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि ब्रह्म भावना करते करते जब मन वृहद के भाव में व्याप्त होता जाएगा तब उसके मन से शिखा और सूत्र की संकीर्णता अपने आप हट जाएगी और ऐसी अवस्था में शिखा सूत्र सचमुच में छोड़ना उनके लिए संभव होगा। यम साधना के अहिंसा अंग को अब तो निश्चय ही अच्छी तरह समझ गए होगे। अब कहो तो माँ बाप जो बच्चों को पीटते हैं वो हिंसा है या अहिंसा? नहीं, वो हिंसा नहीं है क्योंकि वहाँ पीड़ा या कष्ट देने की इच्छा एकदम नहीं है। वहाँ लाकर कष्ट देने का उद्देश्य जरा भी नहीं है बल्कि सुधार करने का ही भाव रहता है। चोर डकैत साधु मित्र या और किसी के विरुद्ध सच्ची भलाई की भावना लेकर जो संशोधन के लिए व्यवस्था की जाए वो ऊपरी दृष्टि से चाहे कितनी भी क्यों ना कठोर दिख पड़े पर वो हिंसा नहीं कही जा सकती है। हम समझ गए होंगे कि व्यावहारिक जीवन में सच्ची अहिंसा को मानकर चलना बिल्कुल कठिन नहीं है। मांसाहार अत्यंत लोभ प्रकट करता है, विशेषकर उन ग्रीष्म प्रधान देशों में जहाँ शाक सब्जी खूब पाई जाती है। मांसाहार अत्यंतिक लोभ छोड़कर और कुछ भी नहीं है, परंतु चिकित्सक के कहने पर रोग छूट जाने के बाद पथ्य के रूप में अथवा दवा बनाने के साधन के रूप में आमिष का व्यवहार हिंसा अथवा लोभ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ हिंसा या लोभ की वृत्ति से स्वीकार नहीं किया जाता। ये काम तो केवल जीवित रहने के लिए किया गया है। हिम प्रधान देशों में इसी आवश्यकता से लोग पशुओं का मांस खाते हैं, पशुओं का चमड़ा पहनते हैं और पशुओं की चर्बी से दिए जलाते हैं। आतताई के विरुद्ध संग्राम करने से ही पौरुष का पता चलता है। रामायण महाकाव्य की ओर देखो, यहाँ राम ने पत्नी का हरण करने वाले रावण के विरुद्ध हथियार लेकर आक्रमण किया था, प्रबल रूप में बल प्रयोग किया था। उनका ये कार्य किसी भी दशा में अहिंसा की नीति के विरुद्ध नहीं था क्योंकि उन्होंने पीड़ा देने अथवा देश जीतने के उद्देश्य से तो लंका पर आक्रमण किया नहीं था। महाभारत की ओर देखो, वहाँ महापुरुष श्री कृष्ण ने पांडवों को कौरवों के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम के लिए उत्साहित किया था क्योंकि कौरव थे
भूमि अपहरण करने वाले आतताई। श्री मन महाप्रभु धर्म तथा सामाजिक जगत के अन्यतम विप्लवी नेता थे। वे प्रेम के अवतार थे। उन पर तो हिंसा नीति अपनाने का दोष लगाने का साहस कोई नहीं करेगा, पर वे भी अत्याचारी काजी पर सिंह के समान कूद पड़े थे। हिंसा और शक्ति संप्रयोग यदि एक ही चीज होती तो करुणामय महाप्रभु निश्चय ही वैसा नहीं करते। आतताई के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना ही पौरुष है और नहीं करना ही क्लीवता है, परंतु कमजोर व्यक्तियों को अपने से बलवान आतताई से भिड़ने के पहले ही अपनी शक्ति की परीक्षा कर लेनी चाहिए, नहीं तो अपनी कमजोरी दूर किए बिना ही भिड़ जाने से उस समय तो अन्याय की ही जीत हो जाती है। इतिहास में इस प्रकार की भूल को राजपूतों की निर्बुद्धता दैट इज राजपूत्स फॉली कहते हैं। मुगल आक्रमणों का सामना करने के लिए राजपूत हमेशा ही साहस के साथ आगे बढ़ते थे। वे वीरता के साथ लड़ाई में लड़े, इसमें संदेह नहीं, किंतु अपनी शक्ति की परीक्षा किए बिना ही लड़ाई में उतर जाते थे। उन लोगों में आपस में तरह तरह के भेद तथा भीतरी कमजोरियां थी, इसलिए लड़ाई में वे हारते थे तथा वीरों की तरह मृत्यु को वरण करते थे। इसलिए आतताई के विरुद्ध संग्राम करने के पहले उपयुक्त शक्ति का संचय करना उचित है। आतताई का स्वभाव सुधरने से पहले ही उसे क्षमा करने का अर्थ है अन्याय को बढ़ावा देना। जहां देखो कि शक्ति का प्रयोग चाहे तुम न करो, आतताई तुम्हें नष्ट करेगा ही। उस समय शक्ति संचय के लिए न ठहर कर अपनी पूरी ताकत से प्रहार करके ही मरना उचित है। सत्य। सत्य शब्द का अर्थ है परितार्थम वांग मनसो यथार्थत्वम सत्यम, अर्थात दूसरे के भलाई के उद्देश्य से वाक्य और मन का जो यथार्थ भाव है उसी का नाम है सत्य। याद रखना चाहिए कि सत्य शब्द के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। अंग्रेजी में जिसको ट्रू या ट्रूथ कहते हैं, संस्कृत में उसे रित कहते हैं। साधक को रित का पालन करने के लिए नहीं कहा जाता, सत्य का अनुसरण करने के लिए कहा जाता है। सत्य के व्यवहारिक अंश का आधार है अपेक्षिकता, परंतु इसके ठीक ठीक प्रतिष्ठा होती है उस परम ब्रह्म पारमार्थिक सत्य में, इसलिए ब्रह्म को सत्य स्वरूप कहा जाता है। यद्यपि साधक का लक्ष्य वही पारमार्थिक सत्य है, किंतु उस साधक को जीवन में सदा अपेक्षिकता लेकर कारोबार करना पड़ता है। मनुष्य विचार करने वाला जीव है, इसलिए जहाँ जैसा करना उचित है अथवा जैसा करने से मनुष्य का कल्याण हो वैसा करने का सामर्थ्य कुछ न कुछ हर मनुष्य में है। साधना जगत में वैसा ही कुछ करने, बोलने या विचार करने को सत्य कहा जाता है। मान लो कोई मनुष्य डर से दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया, वह दोषी है या निर्दोष तुम्हें नहीं मालूम था, तुम जानते हो कि वो निर्दोष है। उसके पीछे पीछे उसको दंड देने के लिए एक भयानक शक्तिशाली मनुष्य आता है। अब यदि वो डरा हुआ आदमी तुम्हारे घर में छिपे और वो भयानक स्वभाव का मनुष्य तुम्हारे पास आकर पूछे कि अमुक आदमी कहाँ गया है, उस समय तुम क्या करोगे? रित ट्रूथ को मानने से तो यहाँ कहोगे कि देखो उस जगह पर छिपा हुआ है। इसके बाद अगर वो भयानक प्रवृत्ति का मनुष्य उसकी हत्या करे तो क्या तुम भी उस हत्याकांड में हिस्सेदार नहीं ठहरते हो? तुम्हारी भूल से ही संभव है एक निरपराध मनुष्य मारा गया। रित दैट इज ट्रूथ को मानने से तुम हत्या के अपराधी हुए, किंतु सत्य शब्द का शास्त्रीय अर्थ मानने से यहाँ तुम्हारा कर्तव्य क्या होगा? तुम्हारा कर्तव्य है कि उस मनुष्य का पता न देकर उसकी भलाई के लिए
उस आक्रमणकारी को उल्टा रास्ता दिखा देना, जिससे आश्रित मनुष्य निर्भय होकर सुरक्षित स्थान को लौट जा सके। मान लो तुम्हारी माँ खाने बैठी है, चिट्ठी आई कि तुम्हारे माता माँ की मृत्यु हो गई है। चिट्ठी के विषय में यदि पूछे तो तुम क्या कहोगे? यदि ऋत को मानो तो माँ को उनके माता जी की मृत्यु का भारी धक्का तो लगेगी ही, साथ उनका भोजन भी नष्ट होगा। यहाँ तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम कह दो कि ननिहाल में सब कुछ कुशल से है। माता जी जब भोजन कर ले तब पहले माता माँ की बीमारी की बात सुनाकर उनके मन को शोक की बात सुनने के लिए कुछ हद तक तैयार कर लो। उसके बाद माता माँ के मरने की बात सुनाओ। इसमें पहले तो बहुत झूठी बातें अपनानी पड़ी, किंतु इसके फल स्वरूप सत्य का ही पालन हुआ। अस्तेय पर द्रव्यापहरण त्यागो अस्तेयम। दूसरे की चीज दखल न करने का नाम ही अस्तेय है, अर्थात अस्तेय शब्द का अर्थ ही है अचौर्य, चोरी न करना। यह चोरी करना चार प्रकार का होता है। पहला, स्थूल भाव से किसी की चीज चोरी करना। साधारण भाव से इसी स्थूल चौर्य को लौकिक भाषा में चोरी कहा जाता है। रुपया पैसा या चीज चुरा कर भाग जाना या हथियार लेकर डकैती करके लूट ले जाना ही चोरी है। शरीर के बल से, हथियार के बल से या बुद्धि के बल से दूसरे का चाहे रुपया, पैसा, जमीन जायदाद या और कुछ भी दखल करो, वो सब कुछ चोरी ही है। कारण उससे दूसरे की चीज ठग कर दखल करने की वृत्ति तो होती ही है। न्याय संगत रीति से किसी से चीज के बदले चीज बदली करना, जैसे रुपए के साथ जमीन, रुपए के साथ चावल, दाल, सोना, चांदी आदि बदलना चोरी के अंदर नहीं गिना जाता। दूसरा, चोरी का दूसरा भेद यह है कि तुमने स्थूल भाव से तो किसी की कोई चीज चोरी नहीं की, किसी की जमीन जायदाद आदि नहीं हथिया ली, किंतु मन ही मन वैसा करने का विचार किया, तब वो भी चोरी ही समझी जाएगी, क्योंकि पुलिस के डर से या बदनामी के डर से तुमने यहाँ स्थूल भाव से चोरी तो नहीं की, परंतु तुम्हारे भीतर के मनुष्य ने तो चोरी की है। तीसरा, संभव है तुम किसी की चीज नहीं चुराते, किंतु यदि दूसरे को जो उचित रीति से मिलना चाहिए, जो उसका उचित पावना है, उससे उसको वंचित करते हो, तो उसकी हानि के कारण तुम हुए, यह भी चोरी है। और चौथा, यदि किसी को न्यायोचित पावना से तुम वंचित करते हो, नहीं भी करते हो पर मन ही मन वैसा करने की कोशिश करते हो, तो वो भी चोरी है। तीसरी और चौथी तरह की चोरी के बारे में समझाता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी बिना टिकट लिए रेल यात्रा करते हैं। इसने रेलवे के अधिकारियों से सीधा सीधा तो नहीं चुराया, किंतु रेलवे के अधिकारियों का जो उचित पावना है उससे वंचित करते हो। जरा विचार कर देखने से मालूम होगा कि रेलवे के अधिकारियों का यात्रियों से संबंध लेन देन की तरह का ही है, और इसलिए बिना टिकट की यात्रा करना तीसरी और चौथी तरह की चोरी है। जो गाड़ी पर चढ़ते हैं वे रेलवे अधिकारियों से सेवा लेते हैं, टिकट का दाम चुरा कर उन्होंने उस सेवा का मूल्य पाई पाई चुका दिया, और उसके फल स्वरूप रेलवे अधिकारी कभी नहीं कहते कि हमने अमुक व्यक्ति की सेवा की है, क्योंकि सेवा के बदले रुपए लेने के साथ ही सेवा का महत्व समाप्त हो जाता है। रेलवे के अधिकारियों ने जब मुफ्त सेवा के लिए लाइन नहीं बिछाई तब उन्हें टिकट के पैसे न देना चोरी है। विचार कर देखो, 20-25 रुपए के लिए जो लोग इस तरह की चोरी करते हैं वे भी क्या भद्र कहे जा सकते हैं? इसी तरह के लोग खूब लंबी चौड़ी बातें किया करते हैं,
तथा बात बात में नेताओं की आलोचना करते हैं। कौन कितना बड़ा चोर है, कौन कितना बड़ा घूसखोर है, कौन कितना बड़ा सज्जन पुरुष है आदि। उनको यदि उनका दोष दिखा दिया जाए तो वे कहेंगे कि अरे भाई, इतना नीतिवादी होने से दुनिया में चलना ही मुश्किल हो जाएगा। जो अधिकारी हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ही ठीक है, अर्थात चोरी करना ही ठीक है। धर्म प्रचारक या सन्यासी मुक्ति का संदेश लेकर तथा राजनीतिज्ञ नेतागण देश का उद्धार करने का सत उद्देश्य लेकर बिना टिकट यात्रा करते हैं। ऐसे दृश्य को तुम लोग हर रोज देखते हो। आयकर या और बहुत तरह के कर देने से बचने के लिए सरकारी कर्मचारियों को घूस देना या निम्न श्रेणी में यात्रा कर अधिकारियों से ऊंची श्रेणी का राह खर्च अदा कर लेना, ये सब अधिकारियों का ठगना छोड़ और कुछ नहीं है। इसलिए ये चोरी तो है, छिछोरापन भी है। सभी चौर्य वृत्तियां अस्तेय नीति की विरोधिनी है। बुद्धिमान समझदार लोग भी प्राय जानबूझकर अस्तेय विरोधी काम कर डालते हैं, अथवा छोटी छोटी चोरी को अस्तेय विरोधी समझना ही नहीं चाहते। लेखक के एक परिचित परिवहन कर्मचारी ने लेखक को अपने 13 वर्ष के भांजे के लिए पूरा टिकट व्यवहार करते हुए देखकर कहा था, आप तो इसके लिए आधे टिकट से ही काम चला सकते थे। कुछ ऐसे भी नीतिवादी हैं जो किसी खास व्यक्ति को तो कभी नहीं ठगते, परंतु बड़े बड़े प्रतिष्ठानों अथवा सरकार को ठगना अपराध नहीं समझते। बहुत से दुकानदार ऐसे भी हैं जो ग्राहकों को तो मिलावट वाला घी बेचते हैं, पर अपने घर पर अपने मेहमानों को खाटी घी की पूड़ी खिलाते हैं। पर याद रखना चाहिए कि इस प्रकार का मनोभाव लेकर जो कुछ भी किया जाए सब अस्तेय विरोधी होगा। यम नियम के दूसरे अंग के समान अस्तेय में प्रतिष्ठित होने का सबसे सहज उपाय है स्वगत अभिभावन, दैट इज ऑटो सजेशन। यदि मनुष्य बचपन से ही इन नीतियों को मन ही मन याद करता रहे, अर्थात मन को समझाता रहे, तो देखा जाएगा कि बड़ा होने पर प्रलोभनों के बीच रहकर भी वो अपने विचार और चरित्र का उन्नत स्तर ठीक रख सकेगा। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द का सच्चा अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना। ब्रह्मणि विचरणम् ब्रह्मचर्यम्। मनुष्य जब बाहरी भाव से कुछ काम करता है अथवा काम की भावना ही लेता है, उस समय वो जिस वस्तु से अपने को संबंधित करता है, काम करता है या काम की भावना लेता है, उसे वो जड़ खंड वस्तु के रूप में देखता है और इस प्रकार खंड वस्तु की ही हमेशा साधना करने से मन खंड वस्तु में इतना लिप्त हो जाता है कि उसकी चैतन्य सत्ता भी जड़ता में बदल जाती है। ब्रह्मचर्य साधना का अर्थ है जिन वस्तुओं को लेकर काम करते हैं या काम की भावना लेते हैं, उसे जड़ वस्तु के रूप में न देखकर ब्रह्म के ही विकास के रूप में देखना। इससे मन एक विषय से दूसरे विषय में जाने पर भी सब चीजों में ब्रह्म भावना रहने से ब्रह्म को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। इस प्रकार प्रेय साधना क्षेय साधना में बदल जाती है, काम प्रेम में बदल जाता है। बहुत लोग शुक्र धारण को ही ब्रह्मचर्य समझते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि ब्रह्म और चर्य इन दोनों शब्दों में से किसी का भी शुक्र शब्द से कोई संबंध नहीं है, न अर्थ का न भाव का। इसके अतिरिक्त शरीर विज्ञान के हिसाब से भी ये महत्वहीन है। शरीर के किसी ग्रंथि में कोई रोग न हो या दवा के व्यवहार से या ऐसे ही किसी विशेष प्रक्रिया से
अथवा दूसरे किसी कारण से यदि शरीर विकलांग न हो जाए तब तक ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करना संभव नहीं है। ये बात एकदम ठीक है कि ब्रह्मचर्य का यदि स्वाभाविक अर्थ लिखा जाए अर्थात सब चीजों में ब्रह्म दर्शन करना, तो मनुष्य के जीवन में संयम बहुत जरूरी हो जाता है। पर संयम का अर्थ स्वाभाविक धर्म के विरुद्ध चलना नहीं है। संयम का अर्थ है स्वाभाविक धर्म का ठीक ठीक पालन करना। किसी खास उपाय से शुक्र क्षय को एकदम रोक देना अथवा उपवास करके शुक्र की अधिकता को रोक देना, इसी को साधारण तौर पर लौकिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जिसका विवाह नहीं हुआ है ऐसे लोगों के लिए तो इस प्रकार के लौकिक ब्रह्मचर्य का, जो सचमुच में ब्रह्मचर्य नहीं है, कुछ महत्व है। क्योंकि जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति की अवस्था में जिस काम वृत्ति के उठने से शुक्र क्षय होता है, इससे उस काम वृत्ति के उठने की कोई संभावना नहीं रह जाती। क्योंकि शुक्र की वृत्ति न होने की कोई प्रेरणा शरीर की ओर नहीं होती। परंतु गंभीरता से सोचने के बाद इस लौकिक ब्रह्मचर्य का मूल कितना है? शुक्र की अधिकता न होना या अधिक शुक्र का क्षय न होना, दोनों ही क्या एक चीज नहीं है? इतना ही कहा जा सकता है कि पहली बात अविवाहितों के लिए है और दूसरी बात विवाहितों के लिए अच्छी है। जो लोग तरह तरह के उपायों द्वारा जबरदस्ती शुक्र क्षय बंद करना चाहते हैं, उनके शरीर और मन पर बुरा प्रभाव देखा जाता है। शरीर एकदम रूखा सूखा और कठोर हो जाता है, उसमें चमक नहीं रहती और जबरदस्ती काम रिपु को रोकने की कोशिश करने के कारण और बाकी रिपु, खासकर क्रोध रिपु, बहुत उग्र हो उठता है। पुराने जमाने में ब्रह्मचर्य शब्द का स्वाभाविक अर्थ ही लिया जाता था, किंतु बाद में समाज में जब विप्रो की प्रधानता हो गई थी, उस समय समाज के जो बुद्धिजीवी लोग पूरे शोषक हो गए थे, उन लोगों ने सोच कर देखा कि यदि धर्म साधना जन साधारण या गृहस्थ के हाथ छोड़ दी जाए, तब इतने दिनों तक संजोया हुआ शोषण करने का हथियार किसी भी समय नष्ट हो जाएगा। धार्मिक भावनाओं की प्रेरणा मिलने से साधारण जनता में विचारने की शक्ति अधिकाधिक बढ़ेगी। इसलिए साधारण जनता को सदा के लिए पंगु करके अपने कब्जे में रखना होगा। शोषण करने के लिए लोगों के मन में पहले ही डर तथा हीनता का भाव जगा देना होगा। उन लोगों ने देखा कि शोषित जनता प्रायः सब गृहस्थ हैं, उनमें से अधिकांश विवाहित हैं। इसलिए यदि किसी प्रकार शुक्र क्षय धर्म विरोधी है ऐसा प्रचार किया जाए, तब बहुत सहज उपाय से उद्देश्य सिद्ध हो सकता है। इसका फल भी हाथों हाथ मिल गया। गृहस्थ लोग सोचने लगे कि ये शुक्र क्षय कर बहुत अन्याय करते हैं, बहुत बड़ा पाप करते हैं और ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं। सन्यासी शुक्र धारण करते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर तथा कथित सन्यासी आसानी से अपनी शोषण लीला चलाते आ रहे हैं। ये सन्यासी सचमुच में नैष्टिक ब्रह्मचारी, जो शुक्र क्षय एकदम नहीं करते हैं या नहीं, तर्क के द्वारा उनका निर्णय नहीं किया जा सकता। हाँ, डॉक्टरी जांच से उनकी परीक्षा हो सकती है, परंतु ये बात निसंदेह कही जा सकती है कि इन तथा कथित सन्यासियों में से अधिकांश इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे। स्नान, भोजन, निद्रा, तंद्रा आदि की तरह विवाह भी एक प्राकृतिक चीज है, अतः इसमें निंदनीय अथवा धर्म विरोधी कोई चीज नहीं है। किसी महापुरुष या उच्च साधक के लिए जब स्नान भोजन आदि मना नहीं है, तब कोई कारण नहीं कि विवाह उनके लिए निषिद्ध हो। परंतु हाँ, इसमें संदेह नहीं
कि आहार, निद्रा तथा जीवन के हर काम में संयम का होना बहुत जरूरी है। संयम नहीं रहने के कारण ही हम रोगों के शिकार होते हैं। भोजन करना अच्छा है, किंतु इसमें संयम न रहने से ही मंदाग्नि होती है। स्नान करना अच्छा है, किंतु इसमें संयम नहीं रहने से, अर्थात अधिक देर तक स्नान करने से सर्दी होगी ही। ठीक इसी प्रकार विवाह अच्छा है, किंतु विवाहित जीवन में संयम नहीं रहने से शरीर और मन में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। खाना, सोना आदि स्वाभाविक कार्यों से विवाह कुछ भिन्न है, क्योंकि जीवित रहने के लिए खाना, सोना आदि जितना जरूरी है, विवाह उतना जरूरी नहीं है। अलग अलग मनुष्यों के लिए इसकी जरूरत भी अलग अलग मात्रा में होती है। इसलिए आनंद मार्ग में विवाह के मामले में व्यक्ति विशेष को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रोग से पीड़ित हो, या जिस आदमी की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं हो, या जिसकी वर्तमान अवस्था विवाह करने के लिए अनुकूल नहीं हो, अर्थात विवाह करने से अशांति उत्पन्न हो सकती है, ऐसे लोगों के लिए विवाह न करना ही अच्छा है। जिन लोगों को किसी ऊंचे आदर्श को पूरा करने के लिए हमेशा काम में लगा रहना पड़ता है, या जिसको मानसिक या जीवन रक्षा के कार्य में बहुत अधिक समय देना पड़ता है, वैसे लोगों के लिए साधारणतः ठीक तरह से पारिवारिक कर्तव्य पूरा करना संभव नहीं होता है। जो रोगी है या जिसकी हालत विवाह करने लायक नहीं है, उसके लिए विवाह करना यद्यपि उचित नहीं है, पर विवाह न करने के कारण उसका छिपे रूप से पाप में लिप्त होने की संभावना रह जाती है। इस संभावना को दूर करने के लिए उनको कोई ऊंचा आदर्श लेकर उसके अनुसार काम करना चाहिए, जिससे परिश्रम करना पड़े और फिर कार्य में व्यस्त रहे। किसी वृत्ति को जबरदस्ती दबा देने के कारण मन की अधोगति की जो संभावना रहती है, वो किसी ऊंचे आदर्श को पूरा करने की कोशिश से ही रोकी जा सकती है। पहले ही कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि छोटे बड़े हर एक क्षेत्र में संयम मान कर ही चलना होगा। संयम का अर्थ वृत्ति की हत्या करना नहीं, वृत्ति को नियंत्रित करना है। वृत्ति जीव का धर्म है, इसलिए जो उसकी हत्या करना चाहते हैं, उनके लिए किसी कठिन साधना क्रम को अपनाने से तो अधिक बुद्धिमानी का काम यही होगा, वे आत्महत्या का कोई आसान रास्ता अपना ले। जो शैव, शात्य या वैष्णव है, अथवा जो पुराणों को मानते हैं, उनके पास इस तथाकथित ब्रह्मचर्य का समर्थन करने के लिए कोई युक्ति है ऐसा नहीं दिख पड़ता, क्योंकि उन लोगों के शिव, विष्णु, कृष्ण आदि सभी देवता सीधी भाषा में जिसको गृहस्थ कहा जाता है, वही थे। पुराणों में उनकी स्त्रियों तथा संतानों के नाम लिखे हुए हैं। धर्म सत्य पर टिका हुआ है, जहाँ सत्य नहीं वहाँ धर्म नहीं। ब्रह्मचर्य की इस उद्भट व्याख्या में और चाहे कुछ भी हो, परंतु सत्य नहीं है, इसलिए उसमें ब्रह्म भी नहीं है। जो सहज सत्य है, उसको मानकर ही मनुष्य को परम श्रेय की ओर आगे बढ़ना होगा। यही साधना का मार्ग है, वही धर्म का पथ है। वास्तव जीवन में जो सहज और सरल सत्य है, उसको अस्वीकार करने से मुफ्त खोर धर्म व्यवसायियों को संभव है कुछ सुविधा हो, परंतु उसके धर्म की मर्यादा नहीं बच सकती। यह सत्य का पथ नहीं, ढोंग का पथ है। अपरिग्रह। भोग की क्रिया में विषयगत संयम को ब्रह्मचर्य और विषयगत संयम को अपरिग्रह कहते हैं। देह रक्षा अतिरिक्त भोग साधना अस्वीकारो अपरिग्रह। देह रक्षा की आवश्यकता के अतिरिक्त किसी भोग्य वस्तु के सेवन में नहीं लगे रहने का नाम अपरिग्रह है।
देह की रक्षा के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर भी चाहिए। बुढ़ापे में आश्रय रहे तथा लौकिक भाव से अपने ऊपर निर्भर रहने वालों के लिए रुपए पैसे जगह जमीन चाहिए। इसलिए देह रक्षा के लिए किसको कितना आवश्यक है उसको निश्चित करने के लिए अनेक बातों का विचार करना होता है। संभव है किसी दो आदमियों की आवश्यकता एक समान नहीं होगी, इसलिए किसी आदमी की कितनी कम से कम आवश्यकता है ये निश्चित करना कठिन काम है, क्योंकि ये बात व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। मनुष्य की कम से कम आवश्यकता समाज के द्वारा कुछ हद तक निश्चित कर दी जा सकती है, जैसे कोई कितने रुपए से अधिक नहीं जमा कर सकता है, या कोई इतने से अधिक घर नहीं रख सकता है, या किसी को इतनी जमीन से अधिक नहीं रहेगी इत्यादि। परंतु समाज सब क्षेत्रों में ये कम से कम की सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। जमीन जायदाद की सीमा निश्चित कर देने पर भी खाद्यों का परिमाण बांध देना या माप देना संभव नहीं है। पेटू जरूरत से अधिक खाकर रोगी हो सकता है, विलासी जरूरत से अधिक विलास की चीजें खरीदकर कर्जदार हो सकता है। इसलिए व्यक्ति यदि सहयोगिता के आधार पर काम करे तो अधिक सुविधा होगी। व्यक्तिगत आवश्यकता के जिस भाग को अपने अपने विचार पर छोड़ दिया जाता है वो भी व्यक्ति विशेष के सुख बोध या स्वच्छंदता की भावना के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। देश और पात्र भेद से भी वो बदल जा सकता है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि एक मनुष्य किसी क्लेश को खेल खेल में सह ले सकता है और दूसरे आदमी को ऐसी परिस्थिति में डाल देने से संभवतः उसकी मृत्यु होगी। इसलिए इस परिस्थिति में पहले आदमी से दूसरे आदमी का क्लेश दूर करने के लिए अधिक भोग्य वस्तु की आवश्यकता है, जो उसके लिए अपरिग्रह विरोधी नहीं है। इस संबंध में देशगत भेद भी सोचने लायक है। बैशाख के महीने में भारतवर्ष में ऊनी कपड़े की जरूरत नहीं रहती, परंतु ठीक उसी समय साइबेरिया में रहती है। इस विषय में कालगत भेद भी विचारणीय है। प्रागैतिहासिक युग का एक साधारण आदमी की कम से कम जरूरत की सीमा थी। आज के युग के एक सीधे साधे आदमी की जरूरत की सीमा वो नहीं है। उसका कारण ये है कि आज की दुनिया में भोग्य वस्तुएं उस युग की तुलना में बहुत आसानी से मिल सकती हैं। आगे और भी सुविधा मिल सकेगी, इसलिए अपरिग्रह की साधना करने के समय कालगत भेद को भूल जाना अव्यवहारिक होगा, एक असामाजिक मनुष्य हो जाना पड़ेगा। चीनी के युग में गुड़ के गुणों का प्रचार कर या रेलगाड़ी के युग में बैलगाड़ी का प्रचार कर अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होने की कोशिश का कोई अर्थ नहीं है। आज की दुनिया में एक साधारण मनुष्य के लिए व्यवहारित जगत में जिसके समय का मूल्य और चार पांच आदमियों से अधिक नहीं है, हवाई जहाज पर चढ़ना जरूर अपरिग्रह विरोधी है, किंतु रेलगाड़ी पर चढ़ना अपरिग्रह विरोधी एकदम नहीं है। इसलिए कह रहे थे कि किसी खास आदमी के लिए अपरिग्रह में प्रतिष्ठित करने की साधना में खास खास क्षेत्र में मान निश्चित करके समाज सहायक तो हो सकता है, परंतु अपरिग्रह में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होना आदमी की अपनी कोशिश पर ही निर्भर करता है। स्वयं अपने को तथा अपने परिवार के लोगों का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जीवन स्वस्थ रखकर सर्वसाधारण से हित के लिए अपने भोग के साधनों को कम से कम कर देने के सीमाहीन संग्राम का नाम अपरिग्रह है। अपरिग्रह में भोग्य वस्तुएं देश, काल, पात्र भेद से बढ़ेगी, कमेंगी, परंतु परिग्रह शब्द की ऊपरी व्याख्या सब देशों में, सब कालों में तथा सब पात्रों के लिए संभाव से प्रयुक्त हो सकती है। हम समाज में कैसे रहें?
आदर्श समाज की व्याख्या सदस्यों के पारस्परिक सहयोग तथा सामवायिक आचरण पर निर्भर है और यह सामवायिक आचरण यम नियम की साधना पर निर्भर करता है। इसलिए साधना ही आदर्श समाज की शुभ भित्ति है, विशेषकर यम नियम की साधना। हमेशा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति यम नियम विरोधी आचरण के फलस्वरूप विशेषकर बिना हिसाब किताब के खर्च के कारण ऋणग्रस्त हो जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप समाज के निकट जाकर कहता है कि मुझे बचाओ। इस संबंध में मैं कहूंगा कि व्यष्टि को जैसे मिलित प्रचेष्टा के द्वारा बचाना समाज का कर्तव्य है, ठीक उसी प्रकार व्यष्टि के आचरण के ऊपर यम नियम की साधना के ऊपर तथा व्यय के ऊपर समाज का अधिकार होना चाहिए। खर्च करने के समय किसी का मत नहीं लेना और ऋणग्रस्त होने पर सबों की सहायता लेने का मनोभाव ठीक नहीं है। जहाँ पर टूएट का कपड़ा पहनने से काम चल सकता है, वहाँ पर कर्ज लेकर सर्ज का कपड़ा पहनना, जहाँ सर्ज के कपड़े से काम चल सकता है वहाँ पर गबडेन का कपड़ा पहनना आवश्यक ही अपरिग्रह विरोधी है। सचमुच ये बात अपेक्षित है, अर्थात कभी गबडेन खरीदने का सामर्थ्य सर्वसाधारण को हो जाए तो वह अपरिग्रह विरोधी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार पुष्टिकर तथा व्यय बाहुल्य वर्जित भोजन करना होगा, कर्ज से लोगों को खिलाने का अभ्यास छोड़ना होगा। इसलिए व्यक्तिगत आचरण तथा व्यय के ऊपर समाज का अधिकार होना नितांत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक आनंद मार्गी को अन्य आनंद मार्गी के यम नियम विरोधी आचरण देखने से अवस्थानुयायी मधुर वचन या कठोर वचन या कठोरतम व्यवहार के द्वारा उसे इस प्रकार के आचरण से निवृत्त करना तथा इस प्रकार से समाज को मजबूत करना होगा। आज से मैं प्रत्येक आनंद मार्गी को निर्देश देता हूँ कि वो अन्य आनंद मार्गी के ऊपर यम नियम प्रतिपालन कराने के लिए कठोर दृष्टि रखे तथा खुद भी दूसरे मार्गी का निर्देश ठंडे दिल से माने। यहाँ यम के परिग्रह अंग के संबंध में मैं एक और निर्देश देता हूँ कि यदि किसी मार्गी को किसी माह में सीमित खर्च के अतिरिक्त अन्य कोई खर्च करना हो, कीमती कपड़ा, आभूषण, फर्नीचर, विवाह, गृह निर्माण इत्यादि, इस दिशा में वे इस प्रकार खर्च करने के पहले अपने आचार्य या यूनिट सेक्रेटरी या जिला सेक्रेटरी या अन्य गुरुत्वपूर्ण पदाधिकारियों से स्पष्ट आदेश लेकर खर्च करें। किसी व्यवसायी या किसी महाजन से ऋण लेने के पहले भी इस प्रकार का स्पष्ट आदेश लें। जहां अपना आचार्य या कोई पदाधिकारी सहज प्राप्त न हो, वहां अन्य कोई आचार्य या तात्विक या मार्ग के अन्य सुविवेचक से परामर्श तथा आदेश ग्रहण करें। प्रत्येक आनंद मार्गी को इस निर्देश को पूर्णतः मानकर चलना पड़ेगा। नियम साधना। अष्टांग योग के पहला अंग यम साधना के विषय में कहा जा चुका है, आज नियम साधना के विषय में कहूंगा। जैसे यम साधना में ब्रह्मचर्य बाकी चारों अंग से अधिक श्रेष्ठ है, उसी तरह नियम साधना में सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर प्रणिधान। वास्तव में यम नियम के बाकी आठ अंग ब्रह्मचर्य और ईश्वर प्रणिधान साधना के ही अंग हैं। विशेषता के विचार से यम साधना मूलतः भौतिक और मानसिक जगत की साधना है और नियम साधना भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों जगत में समान भाव से महत्वपूर्ण है। शौच। नियम साधना का पहला अंग है शौच। शौच शब्द का अर्थ है पवित्रता, शुचिता, सफाई। यह शौच दो प्रकार का होता है, एक तो सांसारिक जगत का अर्थात बाहरी शौच, दूसरा मानसिक जगत का
या भीतरी शौच। शौचन्तु द्विधं प्रोक्तं बाह्याभ्यन्तरं तथा मृजलाभ्यां स्मृतं बाह्यं मनःशुद्धि तथान्तरम्। मिट्टी, जल या तरह तरह की औषधियों के यथोपयुक्त व्यवहार को बाहरी शौच कहते हैं, जिनसे शरीर, कपड़े या रहने का घर आदि साफ सुथरे रहते हैं। मनुष्य जिन चीजों के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आता है, बाहरी शौच क्रिया से उनकी गंदगी दूर कर उन्हें निर्दोष, निर्मल कर व्यवहार के लायक बना लेता है। प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर मनुष्य बिना विचारे ही सब दिशाओं में ज्ञान शून्य होकर अपनी मानसिक शक्तियों को भोग्य वस्तुओं की ओर ले जाता है, या किसी की हानि की चिंता करे या न करे, अपने स्वार्थ भाव से अपने को गिरा कर रखने के अभ्यास करते करते अन्य में अपने को जड़वत कर डालता है। उस समय मन में अनेक प्रकार की ग्लानी होती है, उसके फलस्वरूप मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उन्हें मन का मैल कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखो, यदि कोई परिचित व्यक्ति कभी एकाएक खूब नाम कमा ले, विद्या बुद्धि या धन दौलत पाले, तो बहुत लोगों के मन में ईर्ष्या भाव जग उठता है। वह सब गुण व द्रव्य आदि कमाने का सामर्थ्य स्वयं उसमें कितनी है, उसको बिना विचारे ही मनुष्य दूसरे की उन्नति देखकर मानसिक क्लेश पाता है। ऐसी उन्नति करने वाले यद्यपि कभी भी उसकी कोई क्षति नहीं करते हैं, तब भी वो हिंसा वृत्ति से अंध होकर उनकी हानि करने की कोशिश करता है या उसकी चिंता करता है। जहाँ स्वार्थ बोध में बाधा पड़ती है, वहाँ की तो बात ही अलग है। वैसी अवस्था में तो जो भले आदमी कहे जाते हैं, उनका मन भी बहुत जल्दी कलुषित हो जाता है। जैसे मनुष्य के घर, कपड़े आदि धूल पड़ने से थोड़े समय में ही गंदे हो जाते हैं, उसी प्रकार एक अति साधारण प्रवृत्ति के उठने से उससे भी कम समय में मानस देह बहुत अधिक मलिन हो जाती है। इसलिए शरीर, घर, कपड़े आदि को साफ रखने की जरूरत है ही, उससे भी अधिक मन को साफ रखने की जरूरत है। पर शरीर, कपड़े, घर आदि को साफ रखने में जितना अधिक परिश्रम लगता है, मन की सफाई उससे बहुत अधिक परिश्रम चाहती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य एक क्षण के लिए भी अपने मन की पवित्रता नष्ट नहीं होने देते। सदा प्रवृत्तियों के आंधी के विरुद्ध सावधान रहना होगा। अपने को कभी भी आंधी के मुख में छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। बाहरी और भीतरी सफाई में एक ये भेद भी है कि बाहरी गंदगी दूर करने के लिए अपने भी थोड़ी देर के लिए अशुचिता के पट में उतरना पड़ता है। शरीर, वस्त्र या घर आदि की सफाई के समय अपने भी कुछ समय के लिए अधिक गंदी चीजों के संपर्क में आना पड़ता है, किंतु मानसिक शुद्धि की प्रचेष्टा में अपने को अधिक से अधिक पवित्र रखने से ही सिद्धि लाभ होता है। ग्लानी बाहरी हो या भीतरी, उसे दूर करने के लिए शक्ति की आवश्यकता माननी ही पड़ेगी। शक्ति के सहयोग के द्वारा ग्लानी को मूल वस्तु से दूर कर मूल वस्तु के स्वरूप को पहचान लेना होगा। अवशेष को पृथक करके ही असली सोने का वजन जाना जाता है। वह शक्ति संप्रयोग निश्चय ही एक विशेष प्रकार की क्रिया है। इसलिए कहना पड़ेगा कि बाह्य शौच बाहरी क्रिया है और मानसिक शौच भीतरी क्रिया है। जो शूद्र स्वार्थ बोध मानस देह के पोर पोर में घुसकर उसमें विवर्णता लाता है, उसे बहुत ही भारी बोझ बना देता है। उसे शूद्र स्वार्थ के ग्लानि को दूर करने के लिए उसे साधना की अग्नि में भस्मसात कर देना होगा। यह साधना होगी शूद्र स्वार्थगत साधना के ठीक विपरीत, अर्थात यह साधना ऐसी होनी चाहिए जिससे
मन के प्रत्येक रंध्र से अपवित्रता की बची कुची ग्लानि और कालिमा भी बाहर होने को बाह्य हो जाए। निस्वार्थ भाव विश्व में एकत्व की भावना ही मानसिक अपवित्रता दूर करने की एकमात्र औषधि है। जिस आदमी को जिस चीज के प्रति जितना अधिक लोभ या मोह होगा, वो उस चीज के विषय में उतना ही विपरीत भावना लेकर धीरे धीरे स्वार्थ सबद मानसिक क्लेश से छुटकारा पा सकता है। जिसको धन आदि का लोभ प्रबल रहता है, उसके लिए धीरे धीरे दान करने का अभ्यास बढ़ाना उचित होगा और उसी अभ्यास के माध्यम से वह जन सेवा कर सकता है। जिसमें क्रोध या अहंकार प्रबल है, उसे विनयी होने का अभ्यास बढ़ाना उचित होगा और उसी अभ्यास के माध्यम से जन सेवा करें। निस्वार्थ भाव से जन सेवा तथा भूमा दृष्टि से संसार को देखने की चेष्टा के माध्यम से मनुष्य मानसिक शौच में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्य में दूसरों से लेने की इच्छा तो अनंत है, उसकी आशा किसी प्रकार मिटना नहीं जानती, पर दूसरों को देने की इच्छा एकदम कम। साधारणतः मनुष्य जब भी दूसरों को कुछ देता है, तब अधिकतया उसमें देने की या सेवा की भावना तो एकदम गौण रहती है। मुख्य भाव रहता है दान के बदले प्रतिदान पाने की इच्छा का, अथवा दाहिने हाथ से दान करता है और बाएं हाथ से यश लूटने का उग्र लोभ रहता है। इसलिए लोभ की इस वृश्चिक ज्वाला से बचने के लिए साधक को इसके विपरीत भाव का अनुशीलन करना होगा, अर्थात किसी दूसरे से कुछ भी लेने की तिल भर भी इच्छा न रखते हुए देने की ही अनंत इच्छा रखनी होगी। छोटे मैं के शूद्र पिंजरे का द्वार तोड़कर मन को उन्मुक्त अनंत आकाश की नीलिमा में अधिष्ठित करना होगा। नील आकाशे असीम छेये छड़िये गेछे चादेर आलो आबार केनो धरेर बेतर आबार केनो प्रदीप ज्वाले। तुमने निश्चय ही ध्यान दिया होगा कि बहुत से लोग दुख पड़ने पर कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को हमने विपत्ति के समय इतनी सहायता की, रोग में इतनी सेवा की, फिर भी देखो वो कितना कृतज्ञ है कि आज जो मेरा दुर्दिन आया है तब हमारी ओर मुड़कर भी नहीं देखता। इतना ही नहीं, अभिशाप देता हुआ भी कह डालता है, भगवान सब देखते हैं, सब कर्म का फल उसको भोगना ही होगा। मनुष्य प्रायः ही ऐसी बातें कहा करते हैं। समझ लो, इस तरह की उक्तियाँ मानसिक नीचता की अत्यंत कुत्सित अभिव्यक्ति है। इस प्रकार के लोगों ने कभी मानसिक शौच के लिए साधना नहीं की। इन लोगों ने किसी के दुर्दिन में या रोग में सेवा नहीं की। असल में इन लोगों ने मनुष्य की दुरावस्था का सुयोग पाकर मनुष्य को थोड़ी कुछ सहायता अग्रिम एडवांस स्वरूप दी थी, यह सोचकर कि बाद में सहायता पूरे सूद ब्याज समेत वसूल करूंगा। प्रश्न किया जा सकता है कि इस शौच साधना के लिए मनुष्य कितना दान करेगा? वो क्या अपने को पूरा बेच डालेगा? इसका उत्तर यह है कि जहाँ सेवा ही लक्ष्य है, वहाँ अपरिग्रह के भाव को ध्यान में रखकर अपना तथा अपने ऊपर निर्भर करने वाले दैट इज डायरेक्ट डिपेंडेंट की आवश्यकताओं को देखते हुए जहाँ तक नहीं रखने से काम चलेगा, उतना रख कर बाकी सब कुछ विश्व के सामूहिक कल्याण में लगा देना होगा। किंतु जहाँ कोई आदर्शगत संग्राम आ जाए, वहाँ अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना शरीर भी सामूहिक स्वार्थ के लिए बलि देने को सानंद और साग्रह तैयार रहना होगा। जिसके घर में अन्न की प्रचुरता नहीं है, वह घर के लोगों को खिलाने के लिए कुछ अन्न रख कर ही बाकी गरीबों को दे। यहाँ घर वालों की जरूरत देखना संकीर्णता या निचाशयता नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन में या आज के वास्तविक जगत में
केवल जीवित रहना यद्यपि अंतिम लक्ष्य नहीं है पर अत्यंत महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु जहां संग्राम पूर्ण रूप से आदर्शगत हो वहां हार मान लेने का अर्थ है सदा के लिए घोर अंधकार में निमग्न हो जाना। ऐसी अवस्थाओं के लिए सशस्त्र सैनिक की तरह मन को अपने आदर्श की जय के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए सदा तैयार रहना होगा। संतोष। तोष शब्द का अर्थ है मन के आराम की अवस्था और संतोष का अर्थ हुआ सम्यक रूप से आराम। साधारण अवस्था में मनुष्य का मन अधिक आराम या तृप्ति नहीं पाता है। जहाँ मन भोगाभिमुखी वृत्ति लेकर कुत्ते की तरह जड़ की ओर दौड़ता है वहाँ किसी भी तरह तृप्ति पाना संभव नहीं है और क्रम विश्लेषण के फल स्वरूप उसके योग्य वस्तुओं की संख्या भी क्रमशः बढ़ती ही जाती है, इसलिए उसका मन का दौड़ना भी बंद नहीं होता। इस अवस्था में वो क्या करे कि उसे विस्तृत आराम मिले? इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति से एक आध घंटे के लिए कुछ आराम मिल सकता है पर उसके बाद मन उसे पीछे कर कहीं दूसरी ओर भागना चाहेगा और बहुत दिनों की उसकी इच्छित वस्तु की भी सारी मिठास नष्ट हो जाएगी। यही तो नियम है, यही तो स्वभाव है, मनुष्य की शुद्धा का अंत नहीं है। लाखपति करोड़पति बनना चाहता है क्योंकि वह लाख रुपए पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। करोड़पति से पूछो क्या रुपए पाकर वह सुखी है? वो कहेगा कि रुपया कहाँ है, किसी प्रकार दिन काटा जा रहा है। यद्यपि इनसे अपरिग्रह बोध का अभाव ही मालूम होता है फिर भी यह अपरिग्रह विरोधी भाव देह और मन के ऊपर एक ही प्रकार का बुरा प्रभाव डालता है। शरीर व मन को अत्यधिक लोभ लालसा में उन्मत्त कर मनुष्य मानो उन्माद जैसा अर्थोपार्जन या धन सख्य में लगा रहता है और उसके फल स्वरूप रुपया ही जीवन का सर्वस्व हो जाने के कारण मन जड़ हो जाता है और दीर्घ काल की अवज्ञा के कारण शरीर अपटु हो जाता है। इसलिए स्वाभाविक परिश्रम से अर्थात शरीर या मन के ऊपर उसके सामर्थ्य से अतिरिक्त बोझ न देकर जो धन या संपत्ति उपार्जित की जाती है उससे ही तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है। इस प्रकार तृप्त रहने की प्रचेष्टा के क्रम में मनुष्य को एक विशेष प्रकार की मानसिक प्रचेष्टा में लगा हुआ रहना पड़ता है जो प्रचेष्टा उसे सदा ही अति लोभात्मक कार्यों से दूर रखने में सहायता करती है। तुम जानते हो कि मन को किसी भी वृत्ति से दूर हटाने के लिए दो ही प्रक्रियाएं विशेष फलप्रद हैं। एक स्वगत अभिवादन दैट इज ऑटो सजेशन और दूसरा परगत अभिवादन दैट इज आउटर सजेशन। जिसका मन जिस हीन वृत्ति में लगा रहता है वह यदि ठीक उसी वृत्ति की विरोधिनी भावधारा को मन ही मन सदा जपता रहे तो उसके भाव में परिवर्तन आना निश्चित है। इसी को स्वगत अभिवादन दैट इज ऑटो सजेशन कहते हैं। और यदि कोई किसी के कान में बार बार उसी प्रकार की बात सुनाता रहे तब भी उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, इसी को परगत अभिवादन दैट इज आउटर सजेशन कहते हैं। संतोष साधना में साधक हर समय इस स्वगत अभिवादन की सहायता ले। संतोष साधना का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई तुम्हें किसी प्रकार ठग ले या तुम्हारे सीधेपन का सुयोग पाकर तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे और तुम मुंह बंद करके उसको सहलो। अपने अस्तित्व की रक्षा का अपना अधिकार अपने न्यायोचित भावना का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है। जीवन के सब क्षेत्रों में अधिकार की प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें सदैव मिलित रूप से संग्राम करते रहना होगा किंतु कभी भी अति लोभ के वश में होकर अपनी शारीरिक
तथा मानसिक शक्ति को नष्ट कर संतोष भाव के विरुद्ध मत जाओ। तपः। तपः शब्द का अर्थ है मंत्र सिद्धि के लिए कृच्छ साधना। शौच साधना के लिए तुम्हें जनहितार्थ क्लेश सहन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। जो लखपति है उसके लिए 10 रुपए दान करना जरा भी कृच्छ साधना नहीं है, इसलिए तप भी नहीं है। किंतु 10 रुपए दान करना उसके मानसिक शौच विधान में सहायक है। तप साधक और तापस की यही तो तपस्या है, स्वेच्छा से क्लेश स्वीकार करना। इसके पीछे एक ही उद्देश्य होगा और वह होगा अपने कंधे पर क्लेश तथा दुख का बोझ लेकर दूसरे को दुख से क्लेश भाव से छुटकारा देना तथा दूसरे को आराम से रखना। शौच साधना के समान ही तप साधना में भी दिल भर भी व्यावसायिक मनोभाव अनुचित है। शुद्रोचित सेवा प्रायः तप के अंदर गिनी जा सकती है, इसलिए जो शूद्रत्व से डरता है, शूद्र से घृणा करता है, उसके लिए तापस होना कभी भी संभव नहीं है। एक रोगी कष्ट से छटपटा रहा है, उसके आराम के लिए यदि तुम घंटों उसकी सेवा करो वो हुआ तप। किंतु यदि तुम स्वार्थ के मनोभाव से सोचो कि हमारे दुर्दिन में ये भी हमारी सेवा करेगा, तब एक मुहूर्त में ही तुम्हारी सारी तपस्या नष्ट हो गई। इस प्रकार तप साधना शरीर और मन को स्वार्थ बोध के बाहर ले जाती है। स्वाभाविक नियम से तप साधना से मानसिक व्यापकता आएगी ही, और इस व्यापकता में साधक को ईश्वर प्रणिधान की सिद्धि में विपुल सहायता मिलेगी। तप साधक जानता है कि सेव्य उसके ही इष्ट है, सेव्य उसके ही ब्रह्म है, वह सेवक है और सेवा ही उसकी साधना है। सेव्य की जाति कुल वर्ण धर्म देश या मत विचार कर जो सेवा के लिए तत्पर होते हैं उसकी तपस्या भी व्यर्थ होती है, क्योंकि इस प्रकार के अधिकांश साधकों में मानसिक उदारता का अभाव होने के कारण सेवा भी ठीक निष्ठा के साथ करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। जो सेव्य को ब्रह्म का विकास मात्र देखते हैं, उनके आराम के लिए निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, बहुत थोड़े समय में ही उनके भीतर ब्रह्म प्रेम या भक्ति जग उठती है, और जहाँ प्रेम जग गया वहाँ भाव स्फूर्ति हो उठा, वहाँ और बाकी क्या रह गया। इस तप साधना में ज्ञान अथवा विचार का कितना स्थान है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में शौच साधना के अंग के रूप में जन सेवा में ज्ञान की जितनी आवश्यकता है, तप के अंग स्वरूप जन सेवा में ज्ञान की आवश्यकता उससे बहुत अधिक है। ज्ञान वर्जित होने से तप का अपव्यवहार होगा ही। सुविधावादी तुमसे काम निकालकर एक तरफ तुम्हारी शक्ति का अपव्यय कराएंगे, दूसरी तरफ जो सचमुच दुखी हैं, उन्हें तुमसे जो सेवा प्राप्त होती उससे वंचित कर देंगे। यदि कोई कंजूस तुम्हारे पास आकर अपना दुखड़ा रोए गिड़गिड़ाए और उसका दुख कष्ट दूर करने के लिए तुम उचित परिश्रम करो, उसके लिए रुपए पैसे से या शरीर से सेवा करने की व्यवस्था करो, तो वहाँ तुम्हारा तप ज्ञान और विचार रहित होने के कारण व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पहली बात तो ये होगी कि जिस कंजूस धनी की तुम सेवा करोगे वह और अधिक कंजूस और स्वार्थी हो जाएगा, और बाद में सेवा वृत्ति लोगों को और भी ठगने की चेष्टा करेगा। दूसरा, उसके स्वरूप कुछ न कुछ जान लेने के कारण तुम्हारे मन में भी एक प्रकार की ग्लानी उत्पन्न होगी, उसके प्रति तुम्हारे मन में कुछ शत्रुता का भाव जाग जाएगा। इसलिए तप का अनुशीलन करने के समय ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि तुम जिसकी सेवा करने जा रहे हो उसे सचमुच तुम्हारी सेवा की जरूरत है कि नहीं, और यह जानकर ही सेवा के काम में लगना चाहिए।
तब की साधना के समय सदा ही नीचे की ओर देखना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं। जो तुमसे दुर्बल है, तुमसे दरिद्र है, तुमसे अशिक्षित है, भोले और अवहेलित है, उनके लिए ही तुम पर अधिक भार है, उत्तरदायित्व है। जो तुमसे ऊंची श्रेणी के लोग हैं, अर्थात तुमसे अधिक धनी हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, उनके लिए तुम्हारा दायित्व बहुत कम है। इसलिए कहां तुम्हारी जवाबदेही कितनी है, ये ज्ञान की सहायता से जान लेना होगा। नहीं तो तप में लगाया गया समय, सामर्थ्य, परिश्रम सब पानी में जाएगा। धनिकों को भोज देने में क्या लाभ? दाने दाने के मोहताज गरीबों को अन्न दो। ऊपर के लोगों के घर में डाली पहुंचाने से, भेंट चढ़ाने से लाभ नहीं। गरीब रोगियों के घर पर दवा और पथ्य पहुंचाओ। धनी संपन्न लोगों की खुशामद में समय नष्ट करने से लाभ नहीं। जो विपन्न है, दुखी है, उनके मन को अपनी सहृदयता की मिठास से जीत कर उन्हें अपने समाज की श्रेणी में ऊपर उठा लो। ज्ञान रहित तप के द्वारा तुम ब्रह्म को नहीं पा सकते, क्योंकि वहाँ तुम्हारी वस्तु का उपयुक्त व्यवहार नहीं होता। परंतु ये बात भी ठीक है कि कुछ न करने से कुछ करना ही अच्छा है। इस दृष्टि से ज्ञान वर्जित तप भी अच्छा है। बुद्ध ने कहा है, जिने कद्रियम दाने न सच्चेन अलिकवादिनम। कंजूस के सामने अपना दान दिखाकर उसे प्रभावित अवश्य किया जा सकता है, परंतु उसे ठीक अर्थों में तप नहीं कह सकते। तप की एक और विशेषता है, और वह यह है कि मनुष्य में जब तक ज्ञान का अभाव रहता है, तब तक वह अपनी कार्य शक्ति को प्रवृत्ति मूलक कार्यों में ही लगाता है। ज्ञान युक्ति तप इस कर्म धारा को मोड़ देता है, उसे निवृत्ति की ओर घुमा देता है। भक्ति से भी ज्ञान का उदय होता है, किंतु यह भक्ति उसके हृदय में जगना असंभव है जिसने अपने अंदर उस परम प्रभु की कृपा नहीं पाई है। स्वाध्याय। किसी जटिल आध्यात्मिक तत्व को अच्छी तरह मूल तक समझ लेने को ही स्वाध्याय कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों के आश्रमों में शिक्षार्थी इसी प्रकार अपना दैनंदिन स्वाध्याय किया करते थे, किंतु अब अवस्था उलट गई है। काल की कुटिल गति से आज स्वाध्याय शब्द भी अपना तात्पर्य खो बैठा है। आज बिना अर्थ समझे ही शास्त्रों का पाठ करने से ही स्वाध्याय हो जाता है। धर्म के व्यवसायियों ने बता दिया है कि किस पुस्तक के पाठ का क्या फल है, अर्थ समझो या न समझो। अर्थ समझना कोई बड़ी बात नहीं, इतना ही क्यों? पुस्तक पढ़ने का समय यदि नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, दो तीन बार पुस्तक को सिर लगाओ, अथवा हरि कथा सुनने या समझने का समय या सामर्थ्य नहीं हो तो देवोद्देश्य में कुछ फल, बतासा या कुछ पैसे निवेदन कर देने से ही फल मिल जाएगा। जो कुछ भी हो, असल बात से तुम्हें काम है। स्वाध्याय का अर्थ केवल पढ़कर समझना ही नहीं है, स्वाध्याय का अर्थ है शब्दों का गुणार्थ समझ लेना। लौकिक अर्थ मात्र लेने के फल स्वरूप शाक्त और वैष्णव साधनाओं में यथेष्ट पापाचार, मलिनता आ गई थी, और अंत में उससे जन साधारण की धार्मिक चेतना को बड़ा आघात पहुंचा था। जैसे तंत्र के पंच म कार साधना का अंग मास साधना को लो, यह मास साधना क्या है? मा शब्दा दर्शना गेया तदंशान रसना प्रिये यस्तु तद भक्षये नित्यम स एव मांस साधकः। अर्थात मां शब्द का अर्थ है जिह्वा, और मांस शब्द का अर्थ है जिह्वा का कार्य वचन। जो साधक इस वचन का रोज भक्षण करता है, अर्थात वाक संयम का अभ्यास करता है, वही मांस साधक है। कितना सुंदर अर्थ हुआ। किंतु लौकिक अर्थ लेने वाले इंद्रिय परायण लोग
मांस साधना के निर्मित निरीह बकरे का वध करने में जरा भी नहीं सकुचाते। खाने वाले जितने लोग हों, उनकी संख्या अनुरूप बलि के लिए बकरों की संख्या निश्चित की जाती है। हाय रे साधना, शास्त्र की उक्तियों का गुणार्थ समझने के लिए पहले वाक्य का भाव अच्छी तरह समझ लेना पड़ता है, नहीं तो उससे अर्थ निकाल सकना संभव नहीं। यदि कहा जाए शौंडिकः सुरालयम् गच्छति, तो स्वाभाविक नियम से सुरालय का अर्थ लेना होगा आसव विपणी सुरा की दुकान। किंतु यदि कहा जाए नारदः सुरालयम् गच्छति, तो यहाँ सुरालय का अर्थ मघालय शराब की दुकान लेने से भूल होगी। यहाँ सुरालय का अर्थ सुरा का आलय नहीं, सुरों का आलय अर्थात स्वर्ग से लेना होगा। इस तरह समझ सकते हो कि स्वाध्याय के लिए कितनी सतर्कता की आवश्यकता है। स्वार्थी लोग अपना अपना शोषण कायम करने के लिए जन साधारण को गुणार्थ से सदा दूर रखना चाहते हैं। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर शब्द का साधारण अर्थ है नियंता। जो इस विश्व कल्पना का नियंत्रण करते हैं वे हैं ईश्वर। इसलिए पुरुषोत्तम और ईश्वर शब्द से एक ही तत्व नहीं समझा जाता है। दार्शनिक भाषा में ईश्वर शब्द से एक और अर्थ समझा जाता है, तम प्रधाना प्रकृति के अभिमानी पुरुष, जो कारणार्णव के साक्षी हैं, जो प्राग के भूमा भाव है, वे हैं ईश्वर। सब बंधनों से मुक्त पुरुष को दार्शनिक भाषा में ईश्वर कहा जाता है। कर्म क्लेश विपाका शैर प्रामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कर्म क्लेश विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। छोटा मोटा दार्शनिक मतभेद चाहे जो भी हो, पर साधक की दृष्टि से ईश्वर सगुण ब्रह्म या भगवान को छोड़कर कुछ भी नहीं है। प्रणिधान शब्द का अर्थ है अच्छी तरह समझना या किसी को अपने आश्रय के रूप में अपनाना। इस तरह ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ ईश्वर भाव में अपने को स्थित करना, ईश्वर को जीवन के एकमात्र आदर्श के रूप में ग्रहण करना। पांच भौतिक तत्वों से बनी हुई तुम्हारी यह स्थूल देह ईश्वरीय कल्पना के संचर और प्रतिसंचर भाव के विरुद्ध नहीं जाती है, बल्कि तुम्हारा मन जाता है। इसी कारण जीवात्मा की अधोगति होती है, क्योंकि जीवात्मा मन में ही प्रतिबिंबित होता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान है मन को उस परमाक्षय में प्रतिष्ठित करने के लिए उसकी ओर ललक कर ले चलना। अतः ईश्वर प्रणिधान पूरा भावाक्षय है, पूर्णतया एक मानसिक चेष्टा है। इसमें गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर लोगों की भीड़ जमा करने का या झाल मृदंग बजा कर भक्ति दिखाने का अवकाश ही नहीं है। तुम्हारे ईश्वर बधिर नहीं है, तुम अपने मन की भाषा उसे चिल्लाकर मत सुनाओ। ईश्वरीय भाव लेने के लिए पहले मन को जागतिक प्रपंच से हटा लेना होगा, तब अपने शूद्र अहम भाव छोटे मैपन को स्वार्थ भावना से मन को हटाकर उसके बाद बिंदु भूत मन के सामने उस विराट का भाव लाकर अपने संस्कार के अनुरूप वर्ण प्रतिष्ठ मंत्र में उसका भाव लेना होगा। वे हैं सहज सत्ता, इसलिए केवल भाव में ही उन्हें पाया जा सकता है और कहीं नहीं। जप के तीन प्रकार हैं: वाचनिक, उपांशु और मानसिक। वाचनिक जप अर्थात ऊंचे स्वर में पुकार कर उनकी दृष्टि अपने ओर खींचने की चेष्टा करना एकदम बेकार है। श्रद्धा प्रेम निष्ठा भक्ति भीतर की चीजें हैं। खुशामदी लोगों की बंधी बंधाई भाषा में चीख पुकार कर व्यक्त करने की चीज नहीं, इसलिए वाचनिक जप अर्थहीन है। तब हाँ, आंतरिक भाव का आनंद जब मुख खोलकर व्यक्त करने की इच्छा जग जाती है, वहाँ ब्रह्मा संबंधी तथ्य
सरल भाषा में श्लोकों या गान के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दृष्टांत के रूप में ओम नमस्ते सते सर्वलोकाक्षाय मंत्र याद पड़ता है। ऐसे मंत्र बड़े अच्छे हैं, किंतु इनसे जप का या ईश्वर प्रणिधान का काम नहीं चल सकता है। जहाँ अस्फुट स्वर में होठों में ही मंत्र उच्चारित होते हैं, वहाँ उपांशु जप कहा जाता है। यद्यपि ये जप वाचनिक जप से अच्छा है, परंतु आदर्श जप कहलाने योग्य नहीं। ईश्वर प्रणिधान में मानसिक जप ही श्रेष्ठ है। जिसका भाव मन लेता है, उस भाव का उच्चारण भी मन ही करेगा, मन ही उस भाव की बात सुनेगा। यह मानसिक जप उपयुक्त पात्र के पास यथाविधि सीख कर नियमित रूप से यथाविधि अभ्यास करने पर कुछ ही दिनों में मन एक विशेष धारा प्रवाह में अग्रसर होता प्रतीत होगा। ब्रह्म के प्रति संचर पथ को लेकर यह अग्रगति होती है। तब प्रति संचर पथ से जिस मानस गति से वे कल्पना समूह को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त साधक की मानस गति का वेग उससे भी अधिक ध्रुव गति से होता है। जब साधक का मन ब्राह्मी कल्पना के प्रति संचर पथ पर अग्रसर होता है, उस समय उसके देह में स्थित शिवत्व की संभावना से युक्त जीव शक्ति की सब वृत्तियों सारे संस्कारों से ऊपर उठकर दिव्य लोक की दिशा में आगे बढ़ती रहती है। इस अवस्था में साधक के मन प्राण ब्रह्म के प्रति संचर के स्पंदित होते रहते हैं। ऊर्ध्वतर ग्रंथियों के अव्यक्त दिव्य गुण समूह प्रकट होते हैं और मन का स्पंदन स्नायु जाल को स्पंदित करता हुआ देह से भी सात्विक लक्षण प्रकट करता है। स्नायुगत कारणों से जिसकी देह से ये सात्विक लक्षण प्रकट नहीं होते, उनके देह की कई ग्रंथियों में मानसिक स्पंदन के कारण गुरुतर परिवर्तन हो जाते हैं। ये सात्विक लक्षण या भाव मूलतः 8 प्रकार के हैं: स्तंभ एस्टाउंडिंग, कंप ट्रेम्बलिंग, स्वेद स्वेटिंग, स्वर भंग होर्सनेस ऑफ वॉइस, अश्रु टीयर्स, रोमांच हॉरिबिलेशन, वैवर्ण चेंज ऑफ कलर और प्रलय फेंटिंग फिट। इन महाभावों के और भी कई आनुसांगिक भाव हैं: नृत्य डांसिंग, गीत सिंगिंग, विलुट्ठन रोलिंग, क्रोशन वीपिंग, हुंकार रोरिंग, लालस्राव सलाइवेशन, जृम्भ्रण योनिंग, लोकपेक्षा त्याग इंडिफरेंस, अट्टहास बोस्टिंग इनटू लाफ्टर, घुर्णा वर्लिंग, हिक्का हिकपिंग, तनु मोटन रिलैक्सेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड दीर्घ श्वास डीप ब्रीदिंग। वाचनिक और उपांशु जप में इस प्रकार के लक्षण प्रकट होने की संभावना एकदम कम रहती है। जिसने साधना का ठीक ठीक क्रम जान लिया है या पा लिया है, उसमें इस प्रकार के लक्षणों का प्रकट होना एकदम स्वाभाविक है। इसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं, आनंद है। इस कारण जो साधक नहीं है, उन्हें इनसे वृथा भयभीत होना उचित नहीं। जब सात्विक लक्षण प्रकट होते हैं, उस समय साधकों को भी इस संबंध में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। भावग्रस्त अवस्था में यदि साधक भाव लक्षणों को प्रकट करने की ओर दृष्टि ले जाता है, तो उसकी अग्रगति में बाधा पड़ती है। वह यदि भाव लक्षणों को दबा कर रखने की कोशिश करे, तो उसका भाव ही नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है ब्रह्म ही भाव, इसी पर ध्यान रखना चाहिए। भाव लक्षणों की ओर दृष्टि ले जाकर व्यर्थ समय नष्ट करना बुद्धिमान का काम नहीं है। ईश्वर भावना के मन से हटने के साथ साथ ये भी सात्विक लक्षण तिरोहित हो जाते हैं।
साधक जब ईश्वर भावना में दीर्घ समय के लिए प्रतिष्ठित होने में सक्षम होता है, तब ये भाव केवल मानसिक देह में क्रियाशील होते हैं और स्थूल देह बहुत कुछ शांत हो जाती है। साधना का अन्यान्य अंगों का निर्जन में अकेले अकेले अनुशीलन करना वांछनीय है, किंतु ईश्वर प्रणिधान अकेले तथा मिलित दोनों प्रकार से किया जा सकता है। मिलित ईश्वर प्रणिधान में सबके सामूहिक मानसिक प्रचेष्टा एक साथ काम करना आरंभ कर देती है, इसलिए उक्त भाव लक्षण भी अत्यंत अल्प काल में ही जग उठते हैं। इसलिए दूसरी साधनाओं की तरह ईश्वर प्रणिधान भी अकेले अलग अलग तो करो ही, इसके अतिरिक्त जब कभी कुछ लोग सुविधा से मिल सके तो मिलित ईश्वर प्रणिधान कर लेने का सुअवसर हाथ से मत जाने दो। मिलित ईश्वर प्रणिधान के फल स्वरूप जो दुर्दमनीय मनः शक्ति जग उठती है, वह पृथ्वी की छोटी बड़ी किसी भी समस्या के समाधान में तुम्हारी सहायता करेगी। इस कारण साप्ताहिक धर्म चक्र में नियमित रूप से भाग लेने के लिए सदा सचेष्ट रहो। साधना प्रतिदिन कम से कम दोनों बेला पूर्ण ईश्वर प्रणिधान करना ही होगा। स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सोकर या बैठकर ईश्वर प्रणिधान करो। प्रातः कालीन तथा संज्ञा कालीन ईश्वर प्रणिधान नहीं करने तक आहार ग्रहण नहीं करोगे। विशेष कार्य में व्यस्त रहने पर 80 बार जप करके आहार ग्रहण करोगे। आनंद पूर्णिमा 1957 जमालपुर। दिस ऑडियो बुक इज नरेटेड टू यू बाय शुभ्रा पोमल ठाकुर, ऑल्सो नोन एज एस्थेटिक नरेटर। एंड इस बुक में दिए गए श्लोक आप तक पहुंचाने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ज्योति प्रकाशनन दादा जी का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये एफर्ट्स पसंद आए होंगे और बहुत जल्द हम आपके साथ चर्याचर्य के सारे पार्ट्स भी जल्द ही शेयर करेंगे। अगर आपको जीवन वेद इंग्लिश में सुनना हो तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। आपको आज का हमारा ये नरेशन कैसा लगा, प्लीज हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और अमेजिंग ऑडियो बुक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ। नमस्कार।